नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आपका द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पैरासाइट टॉपिक से टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं जो अब तक परीक्षा में आ चुके हैं। इतने ही क्वेश्चन बने हैं तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निद्रा रोग नामक बीमारी किससे होता है? तो दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का मौका देंगे। अगर आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय चाहिए तो वीडियो को वहीं पर रोक करके आंसर सोच सकते हैं। उसके बाद हम आपको उसका आंसर बताएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इस जीव का वाहक सीसी मक्खी होती है। निद्रा रोग हो जाने पर रोगी हमेशा नींद में बना रहता है, इसलिए सही आंसर है डी, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। यह प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु द्वारा होता है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है जो द्वितीयक पोषक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, प्लीहा। मलेरिया का जब संक्रमण शरीर में होता है तो प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। इसके उपचार हेतु एटाब्रीन, क्लोरोक्वीन तथा कामाक्वीन औषधि डॉक्टर की सलाह पर दी जाती है। मेरे सलाह पर मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ना पड़ा, बताइए यह रोग किसके कारण हुआ था? तो दोस्तों, वर्ष 2003 में जब लिएंडर पेस कोर्ट में टेनिस खेल रहे थे तब उनके सिर में दर्द होना शुरू हो गया। उसके पश्चात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभ में बताया गया कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि उनके मस्तिष्क में सिस्ट है। इस सिस्ट को न्यूरोसिस्ट सरकोसिस कहते हैं, जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए सही आंसर है ए, एक सिस्ट। यह बीमारी टीनिया सोलियम नामक फीता कृमि के कारण होता है। यह रोग सुअर का मांस खाने तथा फीता कृमि के अंडे से संक्रमित जल को पीने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, गोल कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है, जिसे फेलपाव भी कहते हैं। यह विचेरिया बैनक्राफ्टाई नामक गोल कृमि के संक्रमण द्वारा फैलता है। इसको फैलाने का कार्य मादा क्यूलेक्स मच्छर करता है। यह रोग हो जाने पर हाथ पैर एवं जननांग फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो दोस्तों, यह क्वेश्चन जब यूपीएससी में आया था तो मैक्सिमम लोगों ने इसे गलत किया था, क्योंकि इसमें आंसर पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन सा सही है। तो चलिए जानते हैं कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों, मलेरिया तथा डेंगू हो जाने पर ज्वर उत्पन्न होता है, इसलिए ऑप्शन ए भी उभयनिष्ठ है। मलेरिया तथा डेंगू मच्छर के काटने से होता है, इसलिए ऑप्शन बी भी उभयनिष्ठ है। और मलेरिया तथा डेंगू मानव प्रजाति में होने वाला रोग है, इसलिए ऑप्शन सी भी उभयनिष्ठ हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी जो है वह उभयनिष्ठ नहीं है। क्यों उभयनिष्ठ नहीं है, आइए जानते हैं। जो मलेरिया होता है वह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि जो डेंगू होता है वह मादा क्यूलेस फैटिगेस एडीज एल्बोपिक्टस तथा मादा एडीज एजेप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। यानी कि इसमें मच्छर प्रजाति का अंतर है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, मच्छर प्रजाति, यही उभयनिष्ठ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोक्वीन नामक औषधि किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों, क्लोरोक्वीन नामक औषधि सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। यह मलेरिया के उपचार के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी का प्राथमिक पोषक कौन होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी का प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी का द्वितीयक पोषक कौन होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी का द्वितीयक पोषक मच्छर होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन सा है? तो
तो असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में होने वाला 3 संचारी रोग मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमाइसिस है। इसलिए सही ऑप्शन है बी, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों, मलेरिया रोग मक्खियों के काटने से नहीं होता है, यह मच्छरों के काटने से होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोजा कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सर रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया था कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी पता लगाया कि प्लाज्मोडियम के वाहक का नाम मादा एनाफिलीज मच्छर है। इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम जो होता है वह लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, साथ ही साथ हृदय सेल्स में भी पाया जाता है। इसलिए सही आंसर है ए, लाल रुधिर कणिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? तो दोस्तों दिए गए चारों विकल्प में से सभी प्लाज्मोडियम की प्रजातियां हैं, लेकिन भारत में 65% मामले पीवाईवैक्स के कारण होता है, इसलिए सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला आजार बीमारी किस परजीवी के कारण होता है? तो दोस्तों काला आजार रोग को लिस्मैनियसिस रोग कहते हैं, जो लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें त्वचा तथा आंत प्रभावित होती हैं। इस रोग का वाहक बालू मक्खी होती है, इसलिए सही आंसर है ए, लिस्मैनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मछली का नाम क्या है? तो दोस्तों जहां पर मच्छर ज्यादा पैदा होते हैं, अगर वहां पे आप गैम्बूसिया नामक मछली को छोड़ देंगे तो वह उनके सारे लार्वा को खा जाएगी, इसलिए सही आंसर है सी, गैम्बूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, 25 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बेंडाजोल औषधि का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो दोस्तों एल्बेंडाजोल औषधि का प्रयोग एस्केरियसिस के लिए किया जाता है, इसलिए सही आंसर है सी, केवल एस्केरियसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है? तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस है, इसलिए सही आंसर है बी, न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस। यह टीनिया सोलियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पैरासाइट नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर है ए, पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस एक जीवाणु होता है जिससे प्लेग होता है, और ये जो इसके अलावा जितने भी ऑप्शन में दिए हैं ये सब पैरासाइट हैं, इसलिए सही आंसर होगा ए, पास्चुरेला पेस्टिस। तो दोस्तों पैरासाइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक परीक्षाओं में आए थे आज मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो इसमें कवर न किया गया हो तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, जिससे सभी को फायदा हो। और आपके स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।